हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो के साथ भैया अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया कोर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोर्स जिसका नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे बड़े आसान तरीके से, आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी यहाँ पर रहने वाली इस वीडियो में। तो भाई कंप्यूटर ग्राफिक क्या चीज है, अपन क्यों उसको समझ रहे हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अपन जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो भैया, क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा सिंपल सा मोटिव है कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ विजुअल्स को क्रिएट किया जाए, कुछ इमेजेस को, कुछ ग्राफिक्स को, कुछ भैया यहाँ पे जो अपने पिक्चर्स हैं उनको क्रिएट किया जाए। दैट इज वॉट वी आर डूइंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर्स की मदद से। कई सारे सीरियल्स और मूवीज में भी आपने देखा होगा यार, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको मैं, कि कुछ सीन्स होते हैं जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, बराबर है, टाइगर सांप वगैरह ऐसे एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे एक्चुअल एनिमल्स यूज नहीं किए जाते, बराबर, उनसे सीन नहीं करवाए जाते, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, विजुअल्स को क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। और फिर नीचे लाइन भी आप देखते हो, ये जो भी आप प्राणी देख रहे हो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा निर्मित है, सही बात है कि नहीं? तो ये है भैया आसान सा मामला कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अब अपन बढ़ते हैं कुछ बेसिक प्रिमिटिव टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक प्रिमिटिव टर्म से, जो है पिक्सल, जो है भाई साहब पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या चीज है, पिक्सल मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा आपका पिक्चर का एलिमेंट होता है, एक सिंपल पिक्चर का एलिमेंट होता है, यानी समझ लो भैया ये मेरा एक पिक्चर है, ओके, इसका एक सिंपल एलिमेंट होगा। और वो सिर्फ एक सिंपल एलिमेंट नहीं है, इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल, मतलब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, इसको और तोड़ के फिर उसका और एक छोटा सा पार्ट को एक और नाम दोगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज पॉसिबल इन योर डिस्प्ले, इन योर इमेज, जिसे अपन कहते हैं भैया पिक्सल। जैसे कि अब ये मेरा एक रिस्पेक्टिव पिक्चर है, इसमें मैंने ये बोल दिया ये क्या है, ये मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये क्या है, मेरा पिक्सल है। और भैया ऐसा एक पिक्सल नहीं होता, आपका जो पूरा इमेज है, आपका जो पूरा पिक्चर है, आपका जो पूरा डिस्प्ले, आपका जो पूरा स्क्रीन है, वो सारा पिक्सल से भरा हुआ होता है, समझ में आ रही बात। और वो जो होते हैं वो आपके स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एज अ पिक्सल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पिक्सल समझ में आ गया तो रिजोल्यूशन भी समझ लेते हैं। तो रिजोल्यूशन को अपन कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वी कॉल इट एज अ विड्थ एंड दिस इज नथिंग बट वी कॉल इट एज अ हाइट, बराबर है, विड्थ बाय हाइट, ये सिंपल सा अपन यहां पे काम करते हैं रिजोल्यूशन में। यानी क्या कि भाई ये जो है ये क्या है, मेरा विड्थ है और ये जो है मेरा हाइट है, करेक्ट। अब यहां पे अपन इंटरेस्टेड होते हैं इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, इन द नंबर ऑफ पिक्सल, कि भैया विड्थ में कितने नंबर ऑफ पिक्सल, लेट्स से 1920, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स मेरे विड्थ में है, और हाइट में कितने पिक्सल है, 1080, लेट्स कंसीडर अ फिगर, मोस्ट कॉमन फिगर, ओके। तो इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स मेरे विड्थ में है, इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स मेरे हाइट में है, तो यहां पे 1920 बाय 1080 सिंपली ये मेरा रिजोल्यूशन है, ये क्या है मेरे इमेज का, मेरे स्क्रीन का, भाई ये क्या है भैया, एक रिजोल्यूशन है जब मैं इस फॉर्म में उसको यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज सिंपली व्हाट वी टर्म इट एज अ रिजोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं, एक टर्म है पीपीआई, पीपीआई क्या है भैया, इट इज नथिंग बट पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। अब ये क्या मामला होता है, ओके, ये कैसे निकालते हैं भैया, पिक्सल्स पर इंच कैसे पता करते हैं, ओके, मान लीजिए ये आपका मोबाइल फोन है, लेट्स कंसिडर कि ये भाई आपका मोबाइल फोन है, ओके, और मैंने इसको लैंडस्केप रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ओके, आड़वा ठेवला है मी तला, ठीक है, ऐसे ठेवा। अब यहां पे भैया ये है उसकी विड्थ, ओके, जिसके पिक्सल मैंने मेंशन कितने किए, उसमें 1920 इतने पिक्सल है और हाइट में 1080 इतने पिक्सल है, ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आया है इंच, आई फॉर इंच, अब अपने को क्या पता करना है कि एक इंच में कितने पिक्सल है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच वी हैव टू कैलकुलेट, ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी जरा देखते हैं, वो समझते हैं। तो भैया जब भी आपका यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, उसमें अपने को बोला जाता है कि भैया ये 6 इंच का फोन है, ये 5.5 इंच का फोन है, ये 5 इंच का फोन है, तो कौन सा इंच, वो जो बेसिकली इंच पकड़ते हैं, कैसे इंच पकड़ रहे हैं, क्या ऐसे पकड़ते हैं 5 इंच 6 इंच या फिर ऐसे पकड़ते हैं 5 इंच और 6 इंच, नहीं, ये डायगनली कंसिडर किया जाता है, डायगनली मतलब यहां से आप पकड़ सकते हो कुछ इस तरीके से, ये क्या है,
डायगनली मैंने पकड़ा है और ये कितना है, लेट्स कंसिडर 5 इंच का फोन है अपना, 5 इंच का, 5 इंच, तो ये कितना है 5 इंच, ओके 5 इंच का यहाँ पे डायगनल मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। अब मुझे क्या करना है कि भैया सबसे पहले तो पता लगाना है कि मुझे इस रिस्पेक्टिव जो लाइन दिख रही है डायगनली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है, और जब वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा उसको डिवाइड बाय जब मैं 5 करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि पर इंच में कितने पिक्सल्स हैं ताकि मेरा पीपीआई मुझे मिल सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और उसका तरीका है सिंपली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सी बात है ना, पता आपने को ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, और फिर इसके बेसिस पे अपने को ये भी पता है, ये भी पता है कि भैया विड्थ कितनी, हाइट कितनी, ये भी पता है, तो उससे ये वाली साइड जो है कैलकुलेट हो सकती है आसानी से, इसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल है पता चल सकता है। वो एक बार पता चल गया तो डिवाइड बाय 5 इंच, डिवाइड किया तो अपने को पर इंच कितने पिक्सल्स है नंबर ऑफ पिक्सल वो अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस का फंडा मैंने अप्लाई कर दिया और फाइनली मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 2202 इतने नंबर ऑफ पिक्सल जो है भैया इस डायगनल पे एग्जिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि भैया डायगनल कितना इंच का है, 5 इंच का है, तो 5 से डिवाइड करता हूँ ताकि मुझे पर इंच कितने नंबर ऑफ पिक्सल से पता चल सके, और वो पता चल चुका है और रिजल्टेंट निकल के आता है 4440 अप्रोक्सली 440 पिक्सल्स पर इंच जो है वो यहाँ पे मेरे मौजूद है। तो इस तरीके से आप पीपीआई यानी कि पिक्सल पर इंच जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म को समझते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने भैया रिजोल्यूशन के वक्त कुछ ऐसी बात की थी विड्थ इनटू हाइट, बराबर है। अब इसको अपने को क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करना है, यहां से ये हटा दो, साइड में मत खड़ा करो उसको, उसको डिनोमिनेटर में ला दो कुछ इस तरीके से। That is, it is simply a ratio. It is a ratio. Aspect ratio क्या है? It is simply a ratio of number of pixels horizontally to that of the number of pixels vertically. बराबर है, समझ में आ गया? तो width मतलब क्या? Horizontally आपके कितने number of pixels exist करते हैं? Divided by h. H मतलब क्या? Vertically कितने number of pixels है भैया आपके वो बताओ, तो वो निकल के आता है। इस रेशियो को अपन बोलते हैं सिंपली एस्पेक्ट रेशियो। अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पे w is equal to h, मतलब क्या, number of pixels horizontally equal to number of pixels vertically, अगर ऐसा निकल के आता है तो उस वक्त रेशियो क्या होगा, उस वक्त सिंपली रेशियो होगा आपका दैट इज 1:1। ये अपना रेशियो निकल के आता है। उस वक्त कैसा होगा भैया, वो एक स्क्वायर होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर होगा। सही बात है कि नहीं, कुछ इस तरीके से जो आपको है मामला देखने को मिल जाएगा। जो मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट रेशियो है वो कुछ इस तरीके से होता है, 4:3 का इस्तेमाल कर लो या फिर 5:4 का इस्तेमाल, कुछ इस तरीके से जो है बड़े कॉमन से एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और भैया आखिरी टर्म पे आते हैं, उसको समझते हैं, वो क्या है, फ्रेम बफर। फ्रेम बफर, बफर है भाई साहब यहाँ पे। बफर मतलब क्या, कहीं ना कहीं कुछ तो मेमोरी है भैया, कोई मेमोरी एरिया है, कुछ ना कुछ तो स्टोर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई मेमोरी एरिया है और कुछ स्टोर किया जा रहा है उसमें, तो क्या किया जा रहा है भाई साहब उसमें स्टोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी एरिया है ये, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टोर किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है। तो बेसिकली फ्रेम बफर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा मेमोरी एरिया है जिसके अंदर अपन जो भी इमेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो भी इमेज, जो भी पिक्चर, जो भी विजुअल अपन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो जानकारी है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी इस रिस्पेक्टिव फ्रेम बफर में मौजूद होती, इस रिस्पेक्टिव अपने मेमोरी एरिया में मौजूद होती है, जिसको अपन बोलते हैं भैया फ्रेम बफर। सिंपल सी बात है। तो भैया इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड उसकी जो बेसिक टर्म टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बड़े आसान तरीके से डिलीवर कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।